हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फिल्म एक एनिमेटेड वॉर फिल्म है। ये फिल्म एक भाई बहन के संघर्ष को दिखाती है, सीएटा और सेतुस को। जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने आखिरी दिनों पर था, उस वक्त जापान के लोगों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, ये फिल्म उसी कहानी को बयां करती है। फिल्म शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। साल है 1945 और जगह है जापान का कोब शहर। वर्ल्ड वॉर टू अपने अंतिम दिनों पर था। अमेरिकन प्लेन लगातार जापान पर बॉम्बिंग कर रहे थे। हम देखते हैं अमेरिकन प्लेन हवा में है और सायरन बजता है। एक जापानीज ऑफिसर सबको शेल्टर में जाने के लिए कहता है। सब भागने लगते हैं। वहीं एक घर में हम एक परिवार देखते हैं, सीएता और उसकी छोटी बहन सेतुस को और उसकी माँ। सीएता के पिता जंग में गए हैं। सीएता ज़रूरत के खाने के सामान को वहीं ज़मीन में दफना देता है ताकि बॉम्बिंग से उनका सामान खराब ना हो। सीएता की माँ उसे सेतुस्को को लेकर शेल्टर में जाने के लिए कहती है। सीएता अपने पिता की तस्वीर लेता है और बाहर आकर देखता है अमेरिकन प्लेन्स ने वहाँ बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरफ जाए। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। वहाँ से सीएता अपनी बहन को लेकर बीच पर आ जाता है। वो देखता है उसका पूरा विलेज आग की चपेट में है। वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। कुछ ही देर में प्लेन बॉम्ब बरसाकर चले जाते हैं। सीएता देखता है सब कुछ राख बनकर उसके सामने से उड़ता जा रहा है। वो सेतुस्को से कहता है यहाँ हम सेफ हैं। वो अपनी माँ के बारे में पूछती है। वो बताता है माँ शेल्टर में होगी। माँ ने कहा था बॉम्बिंग के बाद वो हमें ऊपर दो पेड़ों के पास मिलेगी। वो सेतुस्को का चेहरा कपड़े से साफ करता है। वो दिखाती है उसका एक चप्पल कहीं गिर गया। सीएता उससे कहता वो इससे भी अच्छी चप्पल उसे लाकर देगा। हम देखते हैं बॉम्बिंग के वजह से वहाँ बारिश शुरू हो गई थी, जो कि काली बारिश थी, सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक। सीएता ऊपर की तरफ आता है, देखता है सब कुछ जल गया है, हर तरफ बस राखों का ढेर है। सेतुस्को पूछती है क्या हमारा घर जल गया। सीएता इस पर कुछ नहीं कहता। वो कहता है पिता उनकी इस हरकत का हिसाब जरूर लेंगे। वहाँ से वो आगे निकल जाते हैं। हम देखते हैं लोगों की लाशें पड़ी हैं, जिनका शरीर पूरी तरह से जल चुका है। सभी लोगों के घर जल चुके थे, उनके पास जाने को अब कोई जगह नहीं थी। तभी सीएता देखता है वहाँ एक सोल्जर अनाउंसमेंट करता है, जो लोग भी घायल है वो एलिमेंट्री स्कूल जाएं, वहाँ उनका इलाज किया जाएगा। सेतुस्को फिर अपनी माँ का जिक्र करती है। सीएता बताता है वो शायद स्कूल में होगी। दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं। वहाँ घायल लोगों की काफ़ी बड़ी लाइन लगी थी। तभी एक महिला सीएता के पास आती है। वो महिला उसकी पड़ोसी थी। वो बताती है तुम्हारी माँ घायल है और काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। वो महिला सेतुस्को का ध्यान रखती है। सीएता भागकर भीतर जाता है। वहाँ एक ऑफिसर था, वो सीएता को पहचान लेता है। वो उसे उसकी माँ की रिंग दिखाता है। सीएता काफ़ी डर जाता है। ऑफिसर उसे भीतर ले जाता है। वहाँ वो अपनी माँ को देखता है, जिसका शरीर जल चुका था, पूरे शरीर पर पत्ती बंधी हुई थी और वो बेहोश थी। अपनी माँ को इस हालत में देख वो काफ़ी दुखी हो जाता है। सीएता बाहर आता है। वो महिला उसके लिए दुख जताती है। वो कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। वो उन्हें बिस्किट लाकर देती है। सीएता अपने माँ के रिंग को सेतुस्को के बैग में रख देता है। वो बताता है माँ की तबीयत खराब है और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आज रात हम यही स्कूल में रुकेंगे और कल आंट के यहाँ निकल जाएंगे, जो निशिनोमिया में रहती है। सेतुस्को अपनी माँ से मिलने के लिए काफ़ी दुखी थी। वो रोने लगती है, पर सीएता उसे अपनी माँ के बारे में बताकर और दुखी नहीं करना चाहता था। वो सेतुस्को का मन बहलाने के लिए करतब करने लगता है। सुबह सीएता की माँ की मौत हो जाती है। वो अपनी माँ को आखिरी बार देखता है। कर्मचारी सभी को ले जाकर जला देते हैं। सीएता काफ़ी दुखी हो जाता है, पर वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। वो नहीं चाहता था कि सेतुस्को को इस बात की खबर लगे। वो दोनों निशिनोमिया आ जाते हैं। वहाँ उसकी आंट के पूछने पर सीएता बताता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। वो झूठ बोल देता है क्योंकि सेतुस्को भी वहीं थी। रात सीएता कमरे में जाता है। वो देखता है सेतुस्को अपनी माँ की रिंग को देख रही है। वो अपनी माँ को काफ़ी याद कर रही थी, पर सीएता उसे यकीन दिलाता है कि जब माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तो वो उसे खुद अपने साथ ले जाएगा। दूसरे दिन सीएता अपने घर जाता है और बाहर जो उसने सब खाने का सामान दफनाया था उसे निकाल लेता है। उसमें एक डब्बा सकुमा ड्रॉप्स का था, जो कि एक चॉकलेट है। वो उसे अपने पास रख लेता है क्योंकि सेतुस्को को वो काफ़ी पसंद था। वो सभी सामान अपनी आंट को दे देता है। उसकी आंट बहुत खुश होती है।
वो सीता से उसकी माँ के बारे में पूछती है। क्या वो उन्हें मिलने हॉस्पिटल गया था? सीता बताता है उसकी माँ की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी है। वो बताता है वो नहीं चाहता था कि सेतुस्को को इस बात का पता चले, इसीलिए उसने ये बात छिपा कर रखा था। उसकी आंट इस पर दुख जताती है। वो कहती है तुम्हें इस बात की जानकारी अपने पिता को देनी चाहिए। रात सीता और सेतुस्को बाहर होते हैं। सेतुस्को को जुगनू बहुत पसंद थे। सीता उसे जुगनू पकड़ कर देता है। वो नदी के पास आ जाते हैं जहाँ काफ़ी सारे जुगनू थे, जैसे कई सारे तारे एक साथ टिमटिमा रहे हों। सीता उसे आँख बंद करके मुँह खोलने के लिए कहता है। वो उसके मुँह में एक चॉकलेट डाल देता है और उसके टेस्ट से सेतुस्को झूमने लगती है। सीता ये देख खुशी से हंसने लगता है। दोनों साथ हंसने लगते हैं। वो दोनों घर आ जाते हैं। रात उसकी आंट कमरे में आती है। वो सीता से उसके स्कूल के बारे में पूछती है, पर वो बताता कि जिस स्कूल में वो पढ़ने जाता है बॉम्बिंग के वजह से वो पूरी तरह से धाराशाही हो गया है। वो पूछती है क्या तुमने अपने पिता को लेटर लिखा? सीता बताता है कि कुछ दिन पहले ही उसने नवल बेस अपने पिता को लेटर भेजा था, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंट उनसे काफ़ी असभ्य तरीके से पेश आती है। रात सब खाने पर बैठे होते हैं। उसके आंट की एक बेटी भी थी जो एक नर्स है। आंट कहती है मेरी बेटी भी अपने देश की सेवा कर रही है और अब इस घर में राशन भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ये सब वो सीता को सुना रही थी। तभी सायरन बजने लगता है। अमेरिकन प्लेन फिर से आ गए थे। सब भागकर शेल्टर में चले जाते हैं। सेतुस्को को शेल्टर से काफ़ी नफरत थी क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत थी। सुबह हम देखते हैं सीता उसका मन बहलाने के लिए उसे बीच पर ले जाता है। वहाँ वो देखता है सेतुस्को के पीठ पर काफ़ी रैशेस आ गए हैं। वहाँ वो काफ़ी आनंद लेते हैं। सेतुस्को देखती है एक नाव के पीछे एक आदमी की लाश है। वो उसे देखने लगती है। सीता उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। सीता अपने उन दिनों को याद करने लगता है जब वो अपने परिवार के साथ इस बीच पर आया करता था और वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाते पीते थे। तभी सायरन बजने लगता है। सीता और सेतुस्को भागने लगते हैं। तभी सेतुस्को नीचे बैठ जाती है। वो कहती है उसे भूख लगी है और वो उसे अपने कंधे पर उठाकर लेकर चले जाता है। वहाँ से वो आंट के घर आ जाते हैं। उसकी आंट सीता से कहती है वो अपनी माँ की किमिको ड्रेस बेच दे, उसे 15 किलो राइस मिल जाएगा। वैसे भी अब इस घर में राशन नहीं है। सीता कहता है इतने महंगे कपड़ों के सिर्फ 15 किलो राइस? वो कहती है अगर खाना चाहिए तो ये करना होगा। वो उस कपड़े को ले जाने लगती है पर सेतुस्को रोने लगती है क्योंकि वो उसकी माँ के कपड़े थे। सीता उसे शांत करवाता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसका पूरा परिवार साथ था और उसकी माँ सेतुस्को से बहुत प्यार करती थी। उसकी आंट राइस लेकर आ जाती है और आधा राइस उन्हें दे देती है, पर सेतुस्को अभी भी उदास बैठी थी। सीता उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो रोने लगती है। रात सब राइस खाते हैं। सुबह सेतुस्को हलवा खाने से मना करती है। सीता आंट से कहता है अगर उनके पास पिकल्ड प्लम्स है तो उसे दे दे, पर उसकी आंट उनको काफ़ी कुछ सुनाने लगती है कि वो कुछ काम नहीं करते, बस दिन भर खाते हैं। वो कहती है तुमने अपने हिस्से का राइस ले लिया और अब हमारे हिस्से में से खा रहे हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सीता को ये सुनकर काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसने वो राइस अपनी माँ के किमिको को ही बेच कर लाया था। वो कहती है आज से हम लोग अलग अलग खाएंगे। दूसरे दिन सीता बैंक जाता है। वहाँ उसकी माँ के अकाउंट में 7,000 येन जमा थे। वो थोड़े पैसे निकालता है और अपने पिता को फिर से लेटर लिखता है और उन पैसों से वो कुछ बर्तन लेता है जिसमें वो खाना बना सके। वो सभी सामान को लेकर अपने आंट के घर आ जाता है। रात सीता अपने और सेतुस्को के लिए खाना बनाता है। हम देखते हैं दूसरे दिन सीता राइस लेकर घर आ रहा था। तभी सेतुस्को रोने लगती है। सीता उसे चॉकलेट का डब्बा देता है। अब उसमें भी सिर्फ 3 चॉकलेट बचे थे। रात जब दोनों सो रहे होते हैं तो सेतुस्को नींद में जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंट आ जाती है। वो सीता को उसे चुप कराने के लिए कहती है। सीता रात उसे बाहर लेकर चला जाता है। रात सायरन बजता है। सीता सेतुस्को को लेकर शेल्टर चला जाता है। सुबह सेतुस्को कहती है उसे आंट के साथ नहीं रहना, वो बहुत बुरी है। सुबह वो घर में सेतुस्को के साथ पियानो बजा रहा होता है। उस पर उसकी आंट चिल्लाने लगती है। सीता अब अपनी आंट के बर्ताव से परेशान हो चुका था। सीता अपना सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो शेल्टर के पास चले जाते हैं। वो काफ़ी वक्त से खाली था, वहाँ कोई नहीं आता था। सीता बताता है आज से यही हमारा घर है।
श्वेता खाना बनाने की तैयारी शुरू करता है। शाम वो भर पेट खाना खाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। नदी के पास जुगनू टिमटिमाने शुरू हो जाते हैं। श्वेता जुगनू पकड़कर शेल्टर के भीतर लाता है। उसे देख सेतुष्को काफ़ी खुश हो जाती है। रात श्वेता बताता है, जब वो पैदा नहीं हुई थी तो एक बार वो अपने पिता के साथ नवल बेस गया था, जहां आर्मी के गौरव गान में काफ़ी पटाखे फोड़े जा रहे थे। वहां काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। श्वेता देखता है बात करते करते सेतुष्को सो गई है। वो अपने पिता को याद करने लगता है, क्योंकि उसके लेटर का अब तक कोई जवाब नहीं आया था। सुबह श्वेता जब पानी लेकर आता है तो देखता है वो सारे मरे हुए जुगनू को दफना रही है। श्वेता के पूछने पर वो बताती है कि माँ भी मर चुकी है, आंट ने उसे सब बता दिया है। ये सुन श्वेता रोने लगता है। अब तक वो रोया नहीं था, पर आज सेतुष्को की बातें सुनकर वो खुद को रोने से नहीं रोक पाया। श्वेता उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो पूछती है, ये जुगनू इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं? पर इसका जवाब श्वेता के पास नहीं था। दूसरे दिन श्वेता उस किसान के पास अनाज के लिए जाता है, जो उन्हें पैसों से अनाज देता है, पर इस बार वो मना कर देता है। श्वेता कहता है, हमने पहले भी अपनी माँ के कीमिको बेचे हैं अनाज के लिए, पर वो कहता है बात कीमिको और पैसों की नहीं है, पर मेरे पास अब इतना अनाज नहीं बचा है कि मैं बांट सकूँ। वो उन्हें आंट के घर वापस लौट जाने के लिए कहता है, पर वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त उसे एक किसान के घर के पास टमाटर का पेड़ दिखाई देता है। वो कुछ टमाटर तोड़ के लेकर चला जाता है। सेतुष्को उसे बताती है कि उसके पेट में दर्द है, उसे बुखार भी है, उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो गया था। श्वेता एक खेत से जाकर शुगर कैन तोड़ता है, जिससे सेतुष्को का शुगर लेवल बूस्ट हो जाए, पर वो किसान श्वेता को पकड़ लेता है और बुरी तरह से मारता है। श्वेता अपने हाथ जोड़ता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। सेतुष्को रोने लगती है। वो श्वेता को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। वो श्वेता को पुलिस स्टेशन छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद पुलिस श्वेता को छोड़ देता है। वो बाहर आता है, देखता है सेतुष्को बाहर खड़ी है। वो आकर श्वेता को पकड़ लेती है। श्वेता रोने लगता है। वो सेतुष्को को गले लगा लेता है। दूसरे दिन वो सेतुष्को को शेल्टर के पास छोड़कर खाने की तलाश में जाता है। सायरन के बजते ही सब लोग विलेज के शेल्टर में छिप जाते हैं और श्वेता आंट के घर में घुस जाता है और वहां से बचा खाना लेकर आ जाता है। वो देखता है सेतुष्को की तबीयत अब ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। रात जब फिर से अमेरिकन बॉम्बिंग करने आते हैं, श्वेता फिर चोरी करने जाता है। वो आंट के घर जाकर कुछ महंगे कपड़े ले आता है। सुबह वो एक महिला के कपड़े बेचने विलेज चला जाता है। यहाँ सेतुष्को देखती है कि श्वेता शेल्टर में नहीं है। वो महिला कपड़े खरीदने से मना कर देती है। श्वेता निराश होकर वापस शेल्टर आ जाता है। वो देखता है बाहर सेतुष्को गिरी हुई है। वो उसे उठाता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, उसे अच्छे डाइट की ज़रूरत है। श्वेता उसे लेकर बाहर आता है। वो बताता है कि वो माँ की सारी सेविंग बैंक से निकाल लेगा, पर सेतुष्को को ठीक करके रहेगा। दूसरे दिन श्वेता बैंक जाकर पैसे निकाल लेता है। वहाँ लाइन में खड़े दो शख्स बातें कर रहे थे, जापान ने जंग में सरेंडर कर दिया है। श्वेता कहता है, क्या हम जंग हार गए हैं? वो शख्स कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं? श्वेता को यकीन नहीं हो रहा था, द ग्रेट एम्पायर ऑफ जापान इतनी जल्दी कैसे हार गया, क्योंकि उसके पिता अभी भी जंग में थे। वो शख्स कहता है, सारी लड़ाकू जहाज पानी में डूब गई, अब कुछ नहीं बचा है। श्वेता उस शख्स को गुस्से में पकड़ लेता है, क्योंकि उसके पिता भी नेवी में थे। वो शख्स उसे धक्का दे के गिरा देता है। वो बाहर आकर अपने पिता की तस्वीर देखता है। उसे पता चल गया था अब उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं है। श्वेता शेल्टर के पास आ जाता है। सेतुष्को की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो उसे वाटरमेलन का एक बाइट देता है। शाम काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। हम देखते हैं सेतुष्को ने दम तोड़ दिया है। श्वेता दुखी हो जाता है। सुबह जाकर वो बाज़ार से लकड़ी का बॉक्स खरीद कर लाता है, जिसमें वो सेतुष्को का शरीर जला सके। हम देखते हैं उस दिन विलेज में सब खुश थे, क्योंकि जंग ख़त्म हो गई थी और सिपाही भी घर आ गए थे। आज आसमान भी बिल्कुल साफ था, कोई बमबारी नहीं थी। श्वेता उस लकड़ी के बॉक्स में सेतुष्को को सुला देता है और उसका डॉल और चॉकलेट का डब्बा उसके पास रख देता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार था। पर श्वेता वो टिन का डब्बा अपने पास रख लेता है याद के तौर पर। वो जलाने से पहले आखिरी बार सेतुष्को का चेहरा देखता है। चिता जलने तक वो वहीं बैठा रहता है। श्वेता उसकी राख को उसी टिन के डब्बे में रख लेता है। उसके बाद से हम देखते हैं श्वेता एक रेलवे स्टेशन पर है।
उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और कुछ देर में उसकी भी मौत हो जाती है। वहाँ एक कर्मचारी आकर उसके पास वो टिन का डब्बा देखता है। वो उस डब्बे को उठाकर रेलवे स्टेशन से बाहर झाड़ियों में फेंक देता है। हम वहाँ सेतुस्को की सोल को देखते हैं। वो सीता की लाश देखती है। तभी वहाँ सीता की सोल आ जाती है। सेतुस्को उसे देख खुश हो जाती है। सीता उस डब्बे को उठाकर सेतुस्को को देता है और वो दोनों साथ बैठ जाते हैं, जहाँ से सारा शहर दिखाई दे रहा था। फिल्म इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी अकियुकी नोसाका के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अपनी छोटी बहन को जंग के दौरान खो दिया था। उसकी डेथ माल न्यूट्रिशन की वजह से हुई थी, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानते थे। उसके बाद 1967 में उन्होंने अपनी ये कहानी लिखी। दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज 1988 में किया गया। उसके बाद जापान के एनिमेशन जगत को इस फिल्म ने एक नई दिशा दी। आपने घिबली स्टूडियो का नाम जरूर सुना होगा, जो आज दुनिया के बड़े एनिमेशन स्टूडियो में से एक है। जीवन का मूल्य क्या होता है, इस फिल्म में बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। इस फिल्म को देखकर सिर्फ जापान ही नहीं, अमेरिका के लोग भी रो पड़े थे, क्योंकि अमेरिका में भी इंसान ही रहते हैं। ये तो बस कुछ तथाकथित राजनेता और बड़े व्यापारी हैं, जिनकी वजह से समाज को ऐसे दिनों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।